आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपने पेपाल अकाउंट मीन पेपाल पर्सनल अकाउंट को पेपाल बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हाउ टू क्रिएट योर पेपाल अकाउंट। उसमें मोस्टली लोगों के ये डाउट्स थे, ये कमेंट्स थे कि पेपाल पर्सनल अकाउंट और पेपाल बिजनेस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। और कई लोग को ये दिक्कत आ रही थी कि उन्होंने पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर रखा है और अब उनको बाहर से पैसे रिसीव करने हैं तो उसमें भी उनको दिक्कत हो रही थी। तो फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली पेपाल अकाउंट अपने मोबाइल से ही क्रिएट कर सकते हैं। आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपाल पर्सनल अकाउंट और पेपाल बिजनेस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, आपको कब कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, और अगर आपने गलती से पेपाल पर्सनल अकाउंट बना लिया है, आपको बाहर से पैसे रिसीव करने हैं, तो आप उसी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना डिलीट किए उस अकाउंट को। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, आई एम आई सेल्फ लेखा। जब भी हम पेपाल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है बिजनेस। और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, मोस्टली लोग यहां पर गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पेपाल बिजनेस और पेपाल पर्सनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जैसे ही हम पर्सनल वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है जब हमें पर्सनली कुछ अकाउंट यूज करना है अपने लिए तो हमें वहां पे पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है, और अगर हम कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, हमें कोई बिजनेस पर्पस के लिए अकाउंट ओपन करना है तो वहां पर हमें बिजनेस अकाउंट ओपन करना है। बट ऐसा है नहीं। पर्सनल अकाउंट, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आप पर्सनल अकाउंट से पैसे सेंड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और वहीं पर बिजनेस अकाउंट से आप पैसे सेंड भी कर सकते हैं, और इवन बिजनेस अकाउंट से आप पैसे रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे वर्क करते हैं तो वहां पर अगर आपको पेपाल अकाउंट देना है ना, तो वहां पर आपके पेपाल बिजनेस अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि पेपाल पर्सनल अकाउंट की। तो अगर आप भी बाय मिस्टेक पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं तो आपको कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप इसी अकाउंट को, अपने पर्सनल अकाउंट को ही बहुत इजीली मोबाइल के थ्रू ही अपने बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। वो स्टेप जानने से पहले मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी पार्ट टाइम, फुल टाइम टीचिंग जॉब या वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं, घर बैठे थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं, फ्रीलैंसिंग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ मोर देन 130,000 जॉब्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, आप इसको अपने प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करें, अब उसको प्रोफेशनल अकाउंट कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए आप आकांक्षा एसके की ये वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया है, काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनली अकाउंट क्रिएट करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपके अकाउंट तक रीच आउट कर सके और आपके पास ज्यादा कंपनीज के कॉल्स आ सके। तो उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इवन मैं इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं और इनके और जो वीडियोस हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये जान लेते हैं कि आप मोबाइल के थ्रू अपने पर्सनल अकाउंट को, अपने पर्सनल पेपाल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। गूगल क्रोम पे सर्च कर ले पेपाल एंड डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर ले। टॉप पे जो ये पेपाल का ऑफिशियल लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करें और अपना अकाउंट जो भी है आपका उसको लॉगिन कर ले। नाउ अब आप दो प्लेस से अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो सेटिंग का टॉप पे ऑप्शन आ रहा है, वहीं पर अकाउंट ऑप्शन में कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन हाईलाइट है। आप यहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो मेन पेज पे गेट पेड जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें। अब आपके सामने अपग्रेड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको फिल करना है कि आपको बिजनेस टाइप क्या है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल फिल कर सकते हैं, और अगर आप कोई और अकाउंट बना रहे हैं तो उसे भी चूज कर सकते हैं एंड देन सबमिट कर लें। आप यहां पर अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस में अकाउंट डाल लें। बेस्ट ये है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज डाल लें, एज यहां पर हम लोग जनरली ऑनलाइन पर्पस के लिए यूज करेंगे पेपाल अकाउंट को। देन पर्पस कोड में अदर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज फिल कर लें, जिसका कोड है P0806। देन पैन नंबर डाल लें, एंड ध्यान दीजिएगा, जिनका भी आप पैन नंबर यहां डालेंगे उन्हीं का बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि उन्हीं का एड्रेस जो है यहां पर वेरीफाई होने वाला है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देन यहाँ आप बिजनेस इस्टेब्लिश की डेट डाल लें। आप जिस दिन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसी दिन की आप डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपके पास आपके बिजनेस का कोई URL है तो आप उसको फिल कर दें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं एंड सबमिट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ आपको नेम, कंट्री, एड्रेस सब कुछ ऑलरेडी फिल आएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। एंड एक बार करेंसी जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर इंडियन रुपीज़ हो, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए।
अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल एंड बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो देखिए आपके मेल पे ऑलरेडी यहाँ पर मेल जा चुका होगा, तो उससे आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर लें। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है। देन अब आपको यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट है ना उसको एक बार लिंक करना होगा। उसके लिए लिंक का बैंक अकाउंट पे क्लिक करें, यहाँ बैंक नेम सेलेक्ट करके फिर बैंक नेम, सिटी, ब्रांच लोकेशन, आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर एंड देन लिंक योर बैंक पे क्लिक कर दें। पेपाल की तरफ से आपको दो स्मॉल डिपॉजिट सेंड होंगे जो कि 3 to 7 डेज के अंदर कन्फर्म योर बैंक अकाउंट हो जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे 24 से 48 आवर्स के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट आ जाते हैं मोस्टली। यहीं पे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी जब भी आपका बैंक यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अब आपको लोकल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर अपने कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पर एग्री एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो डाल दें। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है, सही लगता है, आप उसकी फोटो को अपलोड कर दीजिए। बिना टेंशन के फोटो अपलोड कीजिएगा, ये बहुत ही सेफ है, ट्रस्ट है, कर सकते हैं आप इस पर। और प्रूफ ऑफ बैंक के लिए आप अपना कैंसिल चेक, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और बैंक का कोई भी लेटर आप यहाँ पर फोटो डाल देंगे। तो ये सब जब आप यहाँ फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो कुछ दिनों के अंदर आपका जो ये पर्सनल अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड नाउ यू कैन रिसीव इंटरनेशनल एंड प्लस लोकल पेमेंट इन योर अकाउंट। होप अब आपको पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।